ఖండమండలాకారం వ్యాప్తం యేన చరాచరం తత్పదం దర్శితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీ కర్ణసాగర్ ప్రభుజీకి ప్రేమీ భక్తో బహనోర్ భాయ్యో, అభి హమ్నే బహుత్ సుందర భజన గాయ, సద్గురు మహిమా కా స్తోత్ర పాఠ కియా. अभी एक गुरुदेव गुरु नानक जी का भी हमने भजन गाया, कितना सुंदर था. जब वेद व्यास ने महाभारत लिखी तो उसमें दो अध्याय या दो प्रसंग बहुत सुंदर लिखे हैं. एक तो है श्रीमद् भगवद गीता का, जो आप जानते हैं श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन का संवाद है, जिसमें ज्ञान भक्ति और कर्म का ऐसा उपदेश है जो संसार में कहीं नहीं मिलता. और इसी कारण विवेकानंद जी ने एक जगह लिखा है कि गीता जैसा ग्रंथ ना कभी हुआ और ना ही कभी हो सकता है. एक और ग्रंथ वो भी है श्रीमद् भगवद गीता की तरह, परंतु बड़ा नहीं है, वो छोटा है. उसमें कहते हैं गुरु गीता है, जो शिव जी और पार्वती का संवाद है. तो गुरु का प्रसंग चला है वहां. वह जो गुरु और शिष्य का संबंध वेद व्यास जी ने शिवजी और पार्वती के मुखारविंद से उच्चारण किया है, वो थोड़ा विचार उस पर भी कर सकते हैं. गुरु और शिष्य का संबंध तो अनादि है. वेदों में लिखा है कि मनुष्य जब संसार में आता है तो उसकी जो बुद्धि की आंखें होती हैं वो बंद होती हैं. गुरु गीता का श्लोक है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान आंजन शिलाक्या चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. अज्ञान रूपी अंधेरे से बुद्धि की आंखें बंद थी, अज्ञान तिमिरांधस्य. तो गुरु ने क्या किया, ज्ञान अंजन शिला किया, एक ज्ञान की सिलाई उन आंखों में डाल दी और उसकी बुद्धि की आंखें खुल गई. तो ऐसे गुरु को हम जितनी बार नमस्कार करें उतना थोड़ा है. अर्थात गुरु और शिष्य का संबंध जो है बताया कि ज्ञान का संबंध है. और वेदों में भी लिखा है कि मनुष्य ज्ञान अगर प्राप्त कर सकता है तो कहाँ से प्राप्त कर सकता है. मंत्र है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद, कि मनुष्य को ज्ञान मिलता है माता से, पिता से और गुरु से. अगर इनसे ज्ञान ना मिले तो मनुष्य की क्या हालत होगी. जैसे जब पैदा हुए बच्चे को जंगल में छोड़ दो और भाग्यवशी वो उसको खा ना जाए और पलता रहे तो क्या बनेगा, भेड़ बकरियों की तरह एक इंसानी शक्ल होगी उसकी, ना उसको बोलना आएगा ना ही उसको खाने का ढंग आएगा और ना ही कुछ ज्ञान होगा. तो इसलिए वेद में कहा कि माता से ज्ञान मिलता है, माता भाषा से खिलाती है, पहली चीज जो है माता, और अनेकों बातों में खिलाती है जिसको हम जानते हैं, क्योंकि हमें सब जो कुछ मिला है माता से ही मिला है. और पितृवान, और पिता से भी हमें बहुत कुछ मिला है,
पिता से हमें संसार का ज्ञान मिलता है और हमें पिता से व्यवहार मिलता है। लेकिन ये माता और पिता जो जन्म देते हैं ये एक जन्म है, दूसरे जन्म मिलता हमें वो गुरु के पास जाकर मिलता है। इसलिए कहा आचार्यवान पुरुषो वेद, ज्ञान तभी पूरा मिलेगा जब गुरु के पास जाएगा। तो इसलिए मनुष्य जो गुरु के पास जाता है तो उसका दूसरा जन्म होता है और मनुष्य को द्विज कहते हैं, दो जन्म वाला। हमारे दो जन्म हुए हैं, एक जन्म माता पिता ने दिया, एक जन्म हमें गुरु ने दिया है, इसलिए द्विज कहते हैं। जो द्विज न हो उसकी क्या हालत होती है? द्विज मैंने कई बार शायद बताया भी होगा कि तीन, अगर आप डिक्शनरी को देखें तो द्विज शब्द बाहर निकालें और द्विज के आपको तीन अर्थ मिलेंगे। एक अर्थ मिलेगा पक्षी और एक अर्थ मिलेगा दांत और तीसरा अर्थ मिलेगा कि गुरु से दीक्षित इंसान। क्योंकि दांत भी अगर पहले होता है और अगर वो दोबारा ना हो गए तो वो पहले दांत का कोई अर्थ ही नहीं, वो भी गिर जाता है तो क्या हुआ, मनुष्य दंतहीन या दंतहीन रहा उसको। इसलिए दांत को द्विज कहते हैं, दो बार दांत का जन्म होता है। और जो पक्षी है, पक्षी पहले तो अंडे में बनता है और अंडे से बाहर ना निकले तो अंडे का क्या फायदा, सड़ जाएगा। दूसरा जन्म हो तभी पक्षी बनता है। ऐसे ही मनुष्य अगर माता पिता के घर पैदा होकर मनुष्य वो गुरु के पास ज्ञान में प्राप्त न किया तो अनपढ़ और हर तरह से वह अश्लिष्ट पुरुष रहेगा। क्योंकि जिनको गुरु नहीं मिले उन्होंने संसार में जो है अच्छा काम नहीं किया, बुरा ही बुरा काम किया है। रावण की तरह जिसने गुरु के आज्ञा में नहीं था, मगर भगवान राम के विशिष्ट और विश्वामित्र गुरु थे, भगवान कृष्ण के संदीपनी गुरु थे, तब वो भगवान ही बने। अवतार भी आकर अगर गुरु के पास ना जाए तो उनका विकास नहीं होता, विकास अवतार का भी गुरु के पास जाके होता है। अवतार अवतारी पुरुष जो होते हैं वो एक महान आत्मा, बहुत ऊंची आत्मा होती हैं जिनका मुकाबला संसार के जीवों से नहीं किया जा सकता। तो अब इसलिए गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, परंतु गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? ज्ञान का संबंध है। गुरु का अर्थ क्या है? रुकारस्तु अंधकारो अस्ति, रुकारस्तन निरोध का अंधकार निरोधत्वात् तत्व गुरु चेव दिए। गुरु नाम से ही गुरु का जो भाव है प्रकट होता है। गुरु का मतलब होता है अज्ञान, जो मनुष्य में स्वभाव से है, जन्म से है। रू का अर्थ है उसको दूर करने करना। जब गुरु शिष्य के अज्ञान अंधकार को दूर करता है तो वो उसका गुरु है। तो गुरु और शिष्य का संबंध है कि ज्ञान का एक तरफ गुरु का शरीर, एक तरफ शिष्य का शरीर, बीच में जो उस कड़ी है वो ज्ञान की कड़ी है। अब ये तो ये भी उसी गुरु गीता के शिव जी के महाराज के मुखारविंद से उच्चारण किए हुए व्यास ने श्लोक है। और भी मैं आपको कुछ ऐसे प्रसंग बतला सकता हूँ उस ग्रंथ से कि जिसमें बताया है कि शिष्य और गुरु का संबंध क्या है और शिष्य को गुरु के प्रति क्या भावना रखनी चाहिए
और गुरु का कर्तव्य क्या है शिष्य के प्रति। अब हमने सदगुरु स्तोत्र पढ़ा कि जो गुरु योगी नहीं होता वो खुद भी डूबता है और शिष्य को भी डूबता है, दोनों ही मंझधार में डूब जाते हैं। क्यों? कि गुरु के हृदय में लालच होता है, मोह माया होती है, उसे डूबना ही है, और शिष्य को कोई सिखलाता नहीं, शिष्य अज्ञानी होता है, वो भी डूब जाता है। तो गुरु के और शिष्य के बीच में ज्ञान का संबंध होना चाहिए और तीसरी चोज नहीं है। तो अब और भी कई उसमें प्रसंग हैं गुरु गीता के अंदर, कुछ मैं आपको आपकी जिज्ञासा के लिए बताऊं कि क्या कहते हैं ऋषि व्यास। के पहले तो कहते हैं कि जो मनुष्य गुरु के पास जाता है वो वास्तविक धन्य है, क्योंकि उसने एक ठीक रास्ता अख्तियार किया है। ते दन्यास जो कृतार्थता जो सफलम दे धारणा, वो धन व्यक्ति धन्य है और कृतार्थ है, उसने जन्म का अपना सफल किया है। सफलम दे धारणम, उसने अपने देह जो धारण किया वो सफल किया है, क्योंकि दूसरी बार पैदा ही नहीं हुआ, अंडे का अंडा रहा, तो सफल क्या हुआ फिर? तो इसलिए तीन ही गुण बगलते बतलाई हैं कि जो गुरु के पास जाता है वास्तव में खुशकिस्मत है, धन्य है, और वह उसने अपने जीवन सफल किया और वह कृतार्थ हुआ, स्वयं ही नहीं है। उद्धृतम जो कुलम तेस्तु, उसने अपने कुल का भी उद्धार कर दिया। पर ये बड़ी बारी फिलॉसफी है, जिस कहते हैं कहावत भी है और है भी ठीक, जो एक अच्छा धर्मात्मा पुत्र हो ना किसी कुल के अंदर, वो अपने आगे की कई पीढ़ियों को उतार देता है, क्योंकि उसका प्रभाव आगे चलेगा, पुत्र और पुत्र पोते वो उस लाइन पर चलेंगे, और वो अपने पितरों को भी उतार देता है। उसके पितर उसके पुण्य कर्म से उतर जाती है। कारण ये कि जो पितर हैं वो उसके कारण से उनके कई जो पाप कर जाते हैं, इसलिए संस्कृत में जो पुत्र नाम है ना, पुत्र शब्द का भी अर्थ है एक, वो क्या है? तुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्रा, जो अपने पितरों को नरक से बचाता है, वो एक ऐसा संबंध है। अगर आप बड़े धर्मात्मा हैं तो आपका वो आपकी संतान पर और आपके जो पितर हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं, उनको पुण्य मिलेगा। वो यहां तक आपने सुना है, कहते हैं एक धर्मात्मा पुत्र सात पीढ़ियों को उतारता है, ऊपर की भी नीचे की भी। कृष्ण महाराज से अर्जुन का जब संवाद हुआ तो अर्जुन ने कहा मैं लड़ूंगा, लड़ने से क्या होगा कि हमारे कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां खराब हो जाएंगी और हमारे पितर जो है पितृ लोग से गिर जाएंगे। ये गीता का है, विश्वास है। अब ठीक या ना ठीक ये तो नहीं मिला, शास्त्र की तो बात है ना, और लोगों के जुबान पर तो बात है, और यहां शिवजी महाराज की बात है। तो उद्धृतम से कुलम तैस्तु, उन्होंने अपने कुल उतार दिया। ये गुरु समपास्ते कौन, ये जो मनुष्य गुरु के पास जाते हैं, जो गुरु की उपासना करते हैं, गुरु से शिक्षा लेते हैं, गुरु के पास रहते हैं। गीता में लिखा है कि अर्जुन कहते हैं देखो तुम्हें इतना तुम्हें ज्ञान दिया, ये ज्ञान तुम्हें जुबान से दिया, लेकिन इसका ज्ञान का फलीभूत तभी होता है जब
शिष्य गुरु के पास जाकर अपनी जिज्ञासा प्रकट करे और उसकी सेवा करे। परिप्रश्न सेविया, पूछे अपने हृदय की जो बातें हैं, अपने हृदय खोल कर गुरु को बताया, जैसे अर्जुन ने किया। 18 चैप्टर बातें करता रहा, वो तुम्हारे सामने की नमूना है ना, और वही कह दिया कि गुरु के पास जाकर खोटी खड़ी जो भी हृदय की खोल के अपने हृदय को डाइसेक्ट कर दो, रास्ता उसको ऑपरेशन कर दो, जिसने हृदय खोल दो ये मेरा हृदय है और गुरु पे ऑपरेशन कर देगा। तो ये है परिप्रश्न सेविया, गुरु के पास डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑपरेशन क्या करेगा, उसके पास रहना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है उसके पास जो भी। तो ये है शिव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे जो शिष्य वो धन्य है जो गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो अपने कुल का उद्धार कर देते हैं और अपने जन्म को समय करते हैं। एक बात कहते हैं कि देखो हम संसार में कई कर्म करते हैं लेकिन उन कर्मों का उतना फल नहीं जितना कि मैं बतलाता हूं तुम्हें। पागल तो कहते हैं वो क्या, यज्ञो दानम तपस तीर्थम व्रतम धर्म परम च यत्। यज्ञ करना, दान देना, तप करना, तीर्थ पर जाना, व्रत करना और अन्य धर्म के कर्म करने, देखिए कितने बताए, ये जितने कर्म हैं गुरु तत्व अभिज्ञाय, और गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं ना हुआ, ये सब कुछ करते हुए भी मूरास्ते, वो मनुष्य मूर्ख हैं, मूर्ख के मूर्ख ही रहते हैं। गुरु के पास जाए बिना वो कितना सारा धन दान कर दो, इतने व्रत करो, अश्वमेध यज्ञ कर दो, जो कुछ कर दो, धर्म कर्म कर दो, लेकिन गुरु से ज्ञान ही मिला तो सब व्यर्थ है। क्योंकि हमें मुक्ति तो ज्ञान ही देनी है, दान ही मुक्ति नहीं देनी, और हवन करने से यज्ञ करने से मुक्ति नहीं मिलनी, पहला क्या ज्ञान से मुक्ति मिलनी है। गुरु और शिष्य का संबंध जो है ज्ञान का संबंध है, उन्हें ज्ञान मिले तभी है, नहीं तो ये सारे व्यर्थ है। और गुरु को कहा कि आप गुरु की अगर सेवा करते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो समझो कि आपने सारे देवताओं की पूजा कर दी, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु में तुम्हें ब्रह्मा का स्वरूप नजर आएगा, गुरु में विष्णु का स्वरूप नजर आएगा, गुरु में पर ब्रह्म, गुरु में पर ब्रह्म का स्वरूप नजर आएगा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार करना काफी होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा भगवान सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जब अर्जुन ने कह दिया कि बस आपने जो कुछ मुझे समझाया मुझे संतोष हो गया, शिष्यास्ते हम शादी माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं अब मुझे शिक्षा दो, मैं आपकी शरण आया हूं। तो कृष्ण का देख लो जो कुछ है मेरे अंदर ही है, अपना विराट रूप दिखला दिया। इसलिए लिखा है पार्षद शिव जी महाराज ने कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु ने पर ब्रह्म तस्मै गुरु नमः, उस गुरु के अंदर ही सब कुछ है, उसके अंदर हर एक चीज है, सर्व देवताओं का वास वहां होता है। तो इसलिए जो गुरु के पास नहीं जाते और इधर उधर भटकते रहते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तो उन्हें की दशा क्या होती है, सब कुछ करते हुए भी फिर संसार के चक्कर के अंदर घूमते रहते हैं। तो देखो जीव अनेकों जन्मों से चक्र में करता है, अब ये चक्र कब तक चलेगा,
इसके कोई रास्ता भी है इस चक्कर से निकलने का कि चलते रहेंगे? उस चक्कर से निकलना कोई आसान नहीं है। चक्कर चल रहा है, भाग निकल जाना। मैथमेटिकल टर्म को टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट, जो चक्कर से बाहर निकल जाए। तो वो तो कौन निकलता है? वो मुक्त हो जाता है, वो बन जाता है चक्कर से बाहर निकलना। नहीं, टेंजेंट निकल गया, पर ऐसा सारा थोड़ा सारे निकल गए, चक्कर खत्म हो गया, तो सृष्टि का चक्कर खत्म हो गया। तो सृष्टि के उस चक्कर में से कोई बाहर निकालने वाला जो होता है, वो हम अपनी मेहनत से नहीं निकल सकते, अपने कर्मों से नहीं निकल सकते। उसके लिए शिव जी महाराज ने कहा, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायने स्वात्म ज्ञान प्रदाने ने तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध, एक जन्म नहीं, अनेक, अनेक की हद नहीं होती। तो एक ही तो है, एक, अनेक में तो गिनती नहीं है हम। तो अनेक जन्म, अनेक जन्मों से संप्राप्त, प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कर्मों का बंधन। अब जो कर्म कर रहे हैं, फल तो मिलेगा, पहले जो कर्म किए, अब जन्मों की गिनती नहीं, अब कितना भंडार कर्मों का हम साथ लेके आए हैं, तो अब वो कैसे खत्म हो? तो कहते हैं, उन जो कर्मों के भंडार को खत्म करने वाले अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध, उन कर्मों के बंधन को विधाई है, जो तोड़ने वाले हैं, जो नष्ट करने वाले हैं। और कैसे? ये नहीं कह जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसे तो अनर्थ हो जाए, अगर ऐसे होने में लगे हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? स्वात्म ज्ञान प्रदान, आत्मा का ज्ञान देने से। आत्मा एक वो, आत्मा का ज्ञान जो है वो कर्मों का बंधन काट सकता है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वो नहीं जो के शब्दों में होता है, आत्मज्ञान होता है जो समाधि में प्राप्त होता है, आत्मदर्शन कहते हैं इसको। तो वो आत्मदर्शन गुरु से मिलेगा ना, क्योंकि वो रास्ता बतलाएंगे, योग का रास्ता बतलाएंगे। योग द्वारा समाधि में जाएगा मनुष्य, समाधि से उसको जैसे योग दर्शन होगा है कि योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोधा योग, चित्त की वृत्तियां खत्म हो जाने का नाम योग है। फिर क्या होता है? तदा स्वरूप स्थान, तब मन अपने स्वरूप में टिक जाता है। अब स्वरूप में टिक गया तो समाधि लग गई, तो स्वरूप क्या है? आत्मदर्शन। तो उस वक्त मुक्ति होनी है, क्योंकि उसको कोई दूसरे संस्कार सब खत्म हो जाते हैं, अंतिम जाकर विवेक ख्याति आदि जो आप योग स्वरूप सुनते हैं पढ़ते हैं। तो इसलिए कहा कि अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदायने समात्म ज्ञान प्रदाने न तस्मै श्री गुरु। आप आत्मज्ञान देने से गुरु वो अनेक जन्मों से बंधनों से निकाल देता है। तो भाव यह है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध जो है वो संबंध ज्ञान का है, जो योग गुरु से ही मिलता है। और अगर हमें माता पिता की प्राप्ति ना हुई हो तो जन्म ही हमारा होगा। तो ऐसा जीव हुआ है जो बिना माता पिता के उसके घर ना पैदा हुआ? और ऐसा भी कोई ज्ञानी नहीं हुआ जो कि गुरु के बिना ज्ञान को जिसने प्राप्त किया हो, चाहे भगवान कृष्ण या भगवान राम या प्रभु जी स्वयं क्यों ना, वो भी गुरु के पास गए। गुरु के पास से ही ज्ञान मिलता है। तो फिर तो अगर गुरु के पास जब ज्ञान नहीं मिला, हमें मन की एकाग्रता नहीं हुई, शांति नहीं मिली, तो वो फिर ऐसा बात है कि ये मनुष्य जन्म जो है वो एक ही हीरा है, इस हीरे से कुछ
पैसा नहीं मोल ले लेना चार पैसे का, उसे मुनि जन्म से को बेचना है ना। गुरु के पास हमने क्या करना होता है, आत्मसमर्पण करना होता है। आत्मसमर्पण जब करना है, गला लेते चाहे दो से पांच रुपए का तो ठोक बजा के लेते, तो गुरु की परीक्षा उस गुरु के पास शिष्य का संबंध होता है, जो गुरु उसे हीरे को खरीदने के काबिल हो। मैं तो शिक्षा दूंगा मुझे अर्पण जिसको योग नहीं आता, ऐसा गुरु ना कीजिए जो योगी ना हो। जिसको योग नहीं आता वो गुरु क्या, ऐसा गुरु ना कीजिए जो योगी ना हो। इसलिए कहा कि गुरु के पास हम जो जाते हैं वो ज्ञान के मार्ग पर लगाता है और हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो हम मोक्ष के मार्ग पर चलेंगे। अब एक अंत में एक और इसका करके हम समाप्त करते हैं, वो ये है कि हमारे कर्तव्य क्या है। कहते हैं जैसे भी हमें फल लाया गुरु मूर्ति मन में धारो वगैरह गुरु नानक देव जी का, तो यहां भी शिवजी भाई नहीं कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मन में हर वक्त गुरु का ही ध्यान रहे, ये शिष्य गुरु का संबंध है। वो नहीं तो पांच मिनट बैठे थे हम गुरु को ध्यान लगे, वो नहीं, चलते फिरते खाते पीते ऐसा लगे गुरु मेरे साथ है। ध्यान हर वक्त गुरु का रहे तो हमारा मन रंग जाए उनकी शुरू की। यही भाई ने गाया था महापुरुषों के बदल और ऋषि जी महाराज ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु का स्वरूप हमारे ध्यान का लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको स्वप्न में दर्शन हो जाए तो सारा आपको आनंद आ जाएगा। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो स्वप्न में आकर दर्शन देकर श्रद्धा भी पैदा कर देते हैं, ताकि मन तो ऐसा प्रत्यक्ष धर्म है, मन वहां जाएगा जहां से कुछ मिले तो, और वो अपने दिखला देते हैं कि है हम हैं तुम्हारे साथ। तो इसलिए पहली चीज तो होगा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। दूसरा कहा पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा गुरु के चरणों की। पूजा का मतलब क्या होता है, पूजा मतलब सेवा, सेवा का क्या मतलब होता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं देखो सेवा का अर्थ है आज्ञा पालन, सेवक है हम उसी को सेवक कहेंगे ना, जो जाओ इधर जाओ उधर जाओ वो सेवक है ना। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना गुरु की पूजा है। जो आज्ञा करे जो शिक्षा दे उस पर चलना ये गुरु की पूजा है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मंत्र क्या होता है, मंत्र होता है जिस पर मनन किया जाता है मंत्र होता है। गुरु वाक्य, गुरु ने जो उपदेश दिया गुरु ने जो बात बताई उसके ऊपर विचार करना उस पर अमल करना ये भाव है।
देव गुरु के उपदेशों पर विचार करेगा, गुरु के कहने पर चलेगा और गुरु का हर वक्त ऐसा लगा जैसे सामने है और हर वक्त पास है, कोई बुरा कर्म नहीं करेगा तो गुरु तो देख रहे हैं। तो ऐसे शिष्य के विषय में आप समझ रहे क्या कैसा विशेष है। तो ऐसे व्यक्ति पर फिर गुरु की कृपा तो होगी, और गुरु की कृपा का क्या मतलब है कि मुक्ति, कि जब ठीक रास्ते पर चलेंगे ठीक पढ़ाई करेंगे तो पास होना पास होंगे, फिर फेल होने का सवाल पैदा नहीं होता। तो ये जो है शिव जी महाराज का वाक्य कि इसको हम अगर सचित्र हृदय में धारण करें समझे इस पर अमल करें तो हमारी बड़े काम आने वाली चीज है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की मूर्ति का ध्यान बना रहे, पूजा मूल्यम गुरु पद, गुरु के चरणों की ही पूजा हमारा लक्ष्य। मंत्र मूल्यम गुरु वाक्य, गुरु के जो वाक्य है वही हमारे लिए मंत्र है। मोक्ष मूल्यम गुरु कृपा, और मुक्ति प्राप्त करनी है तो गुरु की कृपा के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जो भजन था हमने गाया ये सतपुरुष योगी सतगुरु महात्मा की पुस्तक में हमने दिया हुआ है, और भी है कि एक और है कि वो गुरु नानक देव जी का है कि संसार के लोग मत भूलेंगे किसी ने गुरु के बिना मुक्ति प्राप्त की है। वो भूल है कोई कहे कि गुरु के बिना मुक्ति मिल जाएगी, वो गुरु नानक देव के शब्द में भजन ही भजन है सतगुरु महात्मा के अंदर। तो हमें आज प्रसंग था प्रसंग भाषा में सारी बातें आई कि गुरु और शिष्य का संबंध क्या है। जो माता और पिता का एक पहला संबंध है उसके बाद गुरु और शिष्य का संबंध है, और मनुष्य पूर्ण इन तीनों से होता है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। बोल श्री सच्चिदानंद महाराज।